ये मुल्क पाकिस्तान की खुशबख्ती की बात है कि मुल्क के चारों सूबों में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अंबिया इकराम, औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन आसूदा खाक है, जिसमें से सिंध भर में 7,000 से ज्यादा जबकि कराची में लगभग 2,000 दरगाहें मौजूद है, जिनमें से महकमा औकाफ के जेर असर सूबे में 78 जबकि कराची में 28 मजारात है। और हैरान कुन बात यह है कि जब भी कोरोना आता है तो औकाफ की सरपरस्ती में चलने वाले मजारात बंद कर दिए जाते हैं मगर बाकी मजारात खुले होते हैं, गालिबन उन मजारात पर कोरोना हमलावर नहीं होता। दर पर खड़ा गदा है अब्दुल्ला शाह गाजी, मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी साथी कैमरामैन सुल्तान अहमद के साथ क्लिफ्टन में वाक़ मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक के अहाते में, जिनका 1291 वां उर्स मुबारक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनक़िद होना था मगर हुकूमत सिंध के सख्त लॉकडाउन और चंद रोज कबल मजार के बंद किए जाने के सबब मजार को अब तक खोला नहीं जा सका, जिसके सबब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मजार के निचले हिस्से यानी के अहाते मुकम्मल तौर पर वीरानी छाई हुई। दे दो नबी का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, मौला अली का सदका, गाजीबादी। दे दो नबी का सदका, मौला अली यह मजार अकदस तक पहुंचने के लिए वो तवील सीढ़ियां जो कि तामीरात से कबल 100 के लगभग हुआ करती थी और आम दिनों में उस पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी मगर जदीद तर्ज तामीर के बाद न सिर्फ सीढ़ियों की तादाद कम हो चुकी है बल्कि बाकायदा तौर पर लिफ्ट भी लगाई जा चुकी है और उसकी तकरीबात का भी आगाज हो चुका है मगर उसके बावजूद एक अकीदतमंद भी नजर नहीं आ रहा जो कि अलमिया भी है और लम्हा फिक्रिया भी। इस मजार अकदस जो कि कभी टीले पर वाक था मगर अब जदीद इमारतों के दरमियान घिर चुका है। अब लॉकडाउन के बाद इसकी क्या हालात है मैं आपको दिखाता हूँ, तो आइए चलते हैं ऊपर। यह है इस्लाम की तरवीज और शाद के लिए सिंध में दाखिल होने वाले पहले सादात बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मजार अकदस, जिसे मजार की बंदिश और सिंध में सख्त लॉकडाउन के सबब सब रंग के पर्दों से और कब्र मुबारक के इतराफ में चंदे की पेटियां लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और आज उस मजार जहाँ चंद साल कबल लोग अपनी बारी का इंतजार करते थे आज मुकम्मल तौर पर वीरान है। यहाँ तक कि उस मजार के साथ वाकया बरामदों में लोगों की एक बड़ी तादाद कुरान शरीफ की तिलावत किया करती थी और दरूद और सलाम से फजा को मत्तर करती थी लेकिन आज ना ही कोई तिलावत करने वाला है और ना ही दरूद और सलाम से फजा को मत्तर करने वाला और गालिबन 1291 सालों में ये पहला मौका होगा जब उर्स मुबारक की तकरीबात नहीं हो सकी और ना ही दरूद और सलाम की महफिल से फजा मुत्तर होगी।